कोयटा जे रेलवे ब्रादर्स शूटिंग वॉलीबॉल क्लब ग्राउंड ते अठी बलोचिस्तान मिनी ओलंपिक्स गेम 2010 जे सिलसिले में शूटिंग वॉलीबॉल जी टूर्नामेंट थी गुजरी। बलोचिस्तान जूनियर स्पोर्ट्स एसोसिएशन पारां करायल हिन टूर्नामेंट में कोयटा जे रेलवे शूटिंग वॉलीबॉल क्लब ए, रेलवे शूटिंग वॉलीबॉल क्लब बी, अफगान क्लब कोयटा, शहीद क्लब कोयटा, शाहीन शूटिंग वॉलीबॉल क्लब कोयटा जी टीमुनि हिसो वरितो। टूर्नामेंट में शाहीन क्लब ऐं रेलवे क्लब ए मुखालिफ़ टीमुनि खे शिकस्त ॾेई फाइनल में पहुतियूं। अठी बलोचिस्तान मिनी ओलंपिक्स गेम्स 2010 जे सिलसिले में थींदड़ शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट जे फाइनल जा महिमान ख़ासि चिल्तन टाउन जा अॻूणा नाज़िम मीर मोहम्मद इस्माइल लहड़ी ऐं मिनी ओलंपिक्स गेम जा सरपरस्त अता मोहम्मद काकड़ हुआ। सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे महिमान ख़ासि मोहम्मद इस्माइल लहड़ी चयो त सूबे अंदरि टैलेंट जी घटिताई न आहे, जॾहिं त हुकूमत रांदियुनि जे हवाले सां तावुन न करे रही आहे। सबसे पहले तो मैं अब सिंध टीवी का मशहूर हूँ जिन्होंने यहाँ के कवरेज की। बलोचिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर अफसोस के साथ यहाँ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई खास तरख्वाह इसमें कोई इतनी वो हमें जिसको कहते हैं कि स्पोर्ट के हवाले से इतनी स्पोर्ट नहीं मिलती। हम अपनी मदद आपके तहत और अपनी मदद आपके जज्बे के तहत इस सिलसिले को चलाते भी हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। फाइनल में पहुंचंदड़ बिन्हीं टीमुनि जे रांदीगरन सां मेहमानन जो तारुफ़ करायो वियो। जंहिं बाद शाहीन क्लब टू स्ट्रेस्ट गेमनि में रेलवे क्लब खे हाराए अठी बलोचिस्तान मिनी ओलंपिक गेम्स शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो फाइनल खटे वरितो। फाइनल हाराईंदड़ शूटिंग वॉलीबॉल टीम जे कैप्टन ताज मोहम्मद सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त शूटिंग वॉलीबॉल मुल्क जी अवामी ऐं सस्ती रांदि आहे। एसोसिएशन वाले दूसरे महकमे अगरि उहो बि इहे इसमें हम तावन करे तो इसमें ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है ना कि हम तमाम बुराइयों से बढ़ सकते हैं। हमारा जो यंग तबका है वो नशे वगैरह में शायद इनसे एक बेहतर सोसाइटी में आएंगे, बुरी सोसाइटियों से बचेंगे, अच्छे उसमें आएंगे, माहौल में आएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश बोलता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए, एसोसिएशन को चाहिए, फेडरेशन को चाहिए कि वो हमसे तावन करे, लोकल टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कराए, सूबे के हिसाब से और ऑल पाकिस्तान कराए। अगर इसी तरह इसका खेल मुनक्किद होता रहा तो ज़रूर शौक़ बढ़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट खेलने से जो है ना आवाम वॉलीबॉल के मैच देखती है, आवाम को जो है ना शौक़ बढ़ता है। ख़ासकर ये जो हमारी नई यंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि इनके लिए वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि जो है ना ये खेलों के ग्राउंड जो हैं ये आबाद हो जाएँ। जी शूटिंग बॉल टूर्नामेंट के फाइनल में नौजवान के अलावा शूटिंग वॉलीबॉल के शौकीन बुजुर्गन और बारन वे तादाद में शिरकत कई। मेहमान खास फाइनल खटंदड़ हारांदड़ टीमन के कप्तानन के विनर और रनर ट्रॉफी दिनों, जदें तो टूर्नामेंट में बेहतर रांद खेलते नौजवान रांदीगर जफर के बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी दिनी वही। टूर्नामेंट के आखिर में फाइनल खटंदड़ बिन्हीं टीमन के 14 रांदीगरन में मेडल और सर्टिफिकेट पिण विराया व्या। सूबे के रांदन वे खाते के घुर्ज तो वॉलीबॉल समेत बेन रांदन के लिए फंड फराहम करे जी आवाम के वद खां वद तफरी हासिल थी सके। कैमरामैन दीदार उनर सा कमाल लाशारी, सिंध टीवी न्यूज़, कोयटा।